समराइजिंग डेटा फर्स्ट पार्ट, तो मैं इसको रीकैप करने जा रहा हूं। इसमें हमने देखा कि मीन कैसे कैलकुलेट होता है दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप, कंटिन्यूस वेरिएबल्स का, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स का रिलेशनशिप स्कैटर प्लॉट से होता है, आपके पास डॉट प्लॉट क्या होता है, एवरेज क्या है, सैंपल स्टेटिस्टिक्स क्या है, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, पॉइंट एस्टिमेट क्या है, देन स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होती है, नंबर ऑफ बीन ज्यादा क्यों नहीं करनी चाहिए, बहुत कम क्यों नहीं करनी चाहिए, तो कितनी जो है वो मॉडरेट होती है। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी वो चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ पे एवरेज पर्सन एक वर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों लेते हैं इंस्टेड ऑफ वेरिएंस, और उसके बाद डेटा जो है वो हम अगर सिक्योर्ड हो तो मीडियन और इंटर क्वार्टाइल रेंज क्यों लेनी चाहिए रादर देन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट में दरमियान वाली वैल्यू मीडियन है थिक लाइन, और ये थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, लोएस्ट वैल्यू, अपर विस्कर और हाई वैल्यू, एंड दीज आर आउटलायर्स। तो ये सारी बातें हमने पिछले वाली वीडियो में देख ली हैं। आज की वीडियो में जो हम चीज देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि जी आपके पास अगर कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, 1, 2, 3 हो, तो फर्स्ट वीडियो में हमने कैटेगोरिकल वेरिएबल कैसे होता है उसकी बात की थी। तो आउटलायर्स क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, आउटलायर्स जो है वो आपके डेटा में सिक्योरनेस इंट्रोड्यूस करती हैं, सम टाइम्स ये एरर होता है, सम टाइम्स बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स होते हैं। तो यहां पे सवाल ये पूछा गया कि अगर लार्जेस्ट वैल्यू को 10 मिलियन पे शिफ्ट कर दें तो मीन पे क्या फर्क होगा, मीडियन पे क्या फर्क होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क होगा, इंटर क्वार्टर रेंज पे क्या फर्क होगा, और अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू को $10 मिलियन से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा। तो ये देखिए ओरिजिनल डेटा में मीन ये है, जब आपने जो है वो इसको शिफ्ट किया तो मीडियन वही रहा लेकिन मीन चेंज हो गया। जब आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को $10 मिलियन से रिप्लेस कर दिया तो मीडियन स्लाइट सा इधर शिफ्ट हो गया लेकिन मीडियन मीन जो है वो बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आ रही है लेकिन आपके पास जो है वो इंटर क्वार्टाइल रेंज में चेंज नहीं आई। तो ये रोबस्ट मेजर्स हैं। तो ये सारी चीजें हम देख चुके, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कि जी और देखिए मीन जो होता है आपके पास स्क्यूड डेटा में जिस तरफ लार्ज वैल्यू होती है उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखें मीन इस तरफ शिफ्ट हो गया तो मीन मीडियन से कम हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन राइट सिक्योर्ड हो तो मीन जो है वो लार्ज वैल्यू राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो मीडियन जो है वो मीन से मीन मीडियन से बड़ा हो जाएगा। तो इस केस में मीन लेस देन मीडियन है। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। एट द मोमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैटेगोरिकल डेटा। तो कैटेगोरिकल डेटा को सिंगल वेरिएबल को कैसे देखते हैं और दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के लिए कंटिजेंसी टेबल देखते हैं। तो एक टाइटैनिक डेटा है, टाइटैनिक डेटा बड़ा बहुत ज्यादा वाइडली यूज डेटा है। तो ये टाइटैनिक डेटा में क्या हुआ कि जी 1912 में शायद एक टाइटैनिक शिप जो है साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में कोई आइसबर्ग से उसको हिट किया और उसमें 2200 कुछ लोग जो है वो थे और उसमें से 1400-1500 लोगों की डेथ होगी, 700 कुछ लोग सरवाइव किए। तो ये बेसिकली सरवाइव्ड, तो यस नो हो गया, तो कैटेगोरिकल हो गया। पी क्लास यानी कि आपकी पैसेंजर क्लास फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, सेक्स आपका क्या था, एज क्या थी, आपके सिबलिंग्स और स्पाउसेस साथ थी, पेरेंट्स और चिल्ड्रन साथ थे, किराया कितना था, एम्बार्क कहाँ से हुए, साउथहैम्पटन से हुए, किसी और पोर्ट से हुए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जिसको हम फ्यूचर में भी देखेंगे, बट एट द मोमेंट हमने ये देखा कि क्या सर्वाइवल का और एज का कुछ लेना देना है, क्या अडल्ट और चिल्ड्रन सर्वाइवल में कोई फर्क है। तो हम देख रहे हैं कि जी आपके पास 57 चिल्ड्रन सर्वाइव्ड आउट ऑफ 109 और 654 अडल्ट सर्वाइव्ड आउट ऑफ 2092, तो 711 टोटल पर्सन सर्वाइव्ड। तो बेसिकली अब हमें, और हमने वहां पे देखा था हिस्टोग्राम, कंटिन्यूस वेरिएबल होगा तो हिस्टोग्राम, कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा तो बार चार्ट। तो ये डाइड हैं, ये सर्वाइव्ड हैं, ये डाइड हैं, ये सर्वाइव्ड हैं, ये आपके पास जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है।
तो बार चार्ट से, बार प्लॉट हिस्टोग्राम से किस तरह से फर्क होता है? तो बार चार्ट में जो है ये एक दरमियान में गैप आता है और जस्ट उसके जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है ऑन वर्टिकल एक्सिस होती है। हिस्टोग्राम जो है वो न्यूमेरिकल डेटा के लिए यूज होता है और आपके एडजस्टेंट बार्स होते हैं, जस्ट क्लास बाउंड्रीज होती हैं। तो ये देखिए, आपके पास जो सरवाइव किए चिल्ड्रन वो 57 आउट ऑफ 109 है और जो एडल्ट सरवाइव किए वो 654 है। 31% एडल्ट सरवाइव किए, 52% चिल्ड्रन सरवाइव किए। तो आपको जब दो वेरिएबल्स को, दो कैटेगरीज को बार चार्ट हो, तो बाज़ूकात उसके लिए हम स्टैक बार बना देते हैं, एक दूसरे के ऊपर उसको लगा देते हैं। एक साइड बाई साइड बार प्लॉट होता है और स्टैंडर्डाइज स्टैक बार ये होता है कि टोटल जो है वो प्रपोर्शन जो है वन के वन पे फिक्स हो जाती है। तो ये स्टैक बार चार्ट है, ये एडल्ट में से जो सरवाइव किए और डार्कर ब्लू कलर जो सरवाइव नहीं किए, और ये चाइल्ड है, चाइल्ड में जो सरवाइव किए और जो नहीं किए। साइड बाई साइड बार चार्ट में इस तरह से शो हो जाता है, तो ये चीज सेम है। और अगर प्रपोर्शन हो तो यहाँ पे देखिए, प्रपोर्शन 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे भी ब्लू एरिया, यहाँ पे एलन गेटी डे लंबा है, तो दिस शोज के जी ज्यादा जो है वो एडल्ट जो है सरवाइव नहीं किए, चिल्ड्रन की परसेंटेज ऑफ नॉन सर्वाइवल स्लाइटली कम है देन टोटल चिल्ड्रन। तो आपके पास ये, इसको स्टैक बार चार्ट इस तरह से कर देते हैं। दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, जिस ये और सारे ये ग्राफ हम अपनी नेक्स्ट जो है वर्कशॉप में जो है वो डेटा के साथ बनाएंगे। तो ये देखिए कि ये डेटा आपको, दिस इज कॉल्ड मोजाइक प्लॉट। तो इसमें ना सिर्फ ये कि एरिया के डल्ट ज्यादा थे, फिर उनमें से सर्वाइव कितने थे, डाइड कितने थे, चिल्ड्रन जो है वो ओवरऑल काम थे, उनमें से सर्वाइव कितने थे, डाइड कितने थे, पाई चार्ट। अब इस पे अगर मैं आपसे ये जो सवाल पूछा गया इसका जवाब पूछूं, तो यू कांट गिव इट। तो मेरी आप लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि दो तीन कैटेगरी से ज्यादा कैटेगरीज हो तो पाई चार्ट नहीं बनाना, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो है ये पुअर है दो चीजों में, एक एरिया में और एक एंगल में। और पाई चार्ट में एरिया भी मैटर करता है और एंगल भी मैटर करता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्लैक और रेड में से कौन सा एरिया ज्यादा है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, जबकि बार चार्ट और उनमें ये नहीं होता। तो अवॉइड मेकिंग पाई चार्ट पर्टिकुलरली इफ यू हैव मोर देन 3-4 कैटेगरीज। बॉक्स प्लॉट, तो इस पे पॉज कीजिए, इसको सोचिए, देखिए सवाल क्या है। सवाल है कि डज देयर अपीयर टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन क्लास ईयर एंड नंबर ऑफ क्लब स्टूडेंट्स आर इन। तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट में हमने कहा कि जो सेंटर वैल्यू होती है ये हमारी मीडियन वैल्यू होती है। तो सेंटर वैल्यू यहाँ पे आप देखें, तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू आपके पास ये वाली है, ये आपका मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल। ये फर्स्ट क्वार्टाइल था Q1, ये मीडियन था और ये थर्ड क्वार्टाइल है, अगर लास्ट लेक्चर आप रिकॉल कर रहे हैं। और यहाँ पे मीडियन और फर्स्ट क्वार्टाइल बिल्कुल एक ही जगह पे हैं मोर और लेस। इस केस में मीडियन जो है वो बाकी तीनों केसेस से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ पर्संस हु आर क्लब मेंबर्स इन जूनियर कैटेगरी आर मोर, क्योंकि इनकी मीडियन वैल्यू ज्यादा है देन अदर थ्री कैटेगरीज। सिमिलरली आप ये देखें तो इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो वहां पे है, और ये इनकी इसकी मिनिमम वैल्यू से वो काफी हाई है। तो ये डेटा शो कर रहा है कि यस, जूनियर्स एंड देन सोफोमर्स आर रिलेटिवली मोर मेंबर क्लब मेंबर्स देन सीनियर स्टूडेंट्स एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम अपने ग्राफ को देखते हैं, और जूनियर और सोफोमर्स में से कुछ आउटलायर्स हैं, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्लब्स के मेंबर्स हैं। तो दिस हाउ वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो अब आप देखिए, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि 48 लोग हैं, 48 लोगों को दो लोग जजिस को, ठीक है, उनकी फाइल्स दे दी गई कि इनको रूटीन जॉब्स के लिए प्रमोट करना है, तो आप कर बता दें। तो उसमें से 35 जो है वो मेल प्रमोट हुए और 11 जो है वो फीमेल प्रमोट हुई। तो क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है या नहीं है, ये हमारा सवाल है। 21 मेल प्रमोट हुए और 14 फीमेल प्रमोट हुई, जबकि 3 मेल नॉन प्रमोट हुए और 10 जो है, तो 24
21 आउट ऑफ 24 मेल प्रमोट हुए, 14 आउट ऑफ 24 फीमेल प्रमोट हुई, और जस्ट उनमें कोई फर्क नहीं था स्वाइप फाइल्स पे नेम जो है मेल या फीमेल लिखा हुआ था। तो क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने इस कोर्स में आगे चल के सीखनी है। तो 87.5% मेल जो है प्रमोट हुए और 58.3% जो है फीमेल्स प्रमोट हुई। तो ये जो डिफरेंस आया है 30% का, क्या ये आपको क्या चीज इंडिकेट करता है? वीडियो को पॉज कीजिए, इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए, सी व्हाट कम्स इन योर माइंड। ठीक है, तो पहली बात है कि जी जो है ये पहली बात है कि डेफिनेटली तो कुछ पता नहीं होता, तो ये फ्लूक नहीं था। दूसरी बात, तीसरी बात, मे बी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स इस वक्त नहीं पता। अब हमें देखना है कि क्या ये बाय चांस हो गया या कुछ रीजन थी। तो हम ये कहते हैं जी कि मेल और फीमेल इंडिपेंडेंट फिनोमेना, इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। तो प्रमोशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर है। ये हमारा नल हाइपोथेसिस होता है कि जेंडर हैज नथिंग टू डू विद प्रमोशन, तो देर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अल्टरनेटिव है कि नहीं, जो प्रमोशन है दैट इज लिंक विद वॉट इज योर जेंडर। तो अब आपको अगर एविडेंस इसके फेवर में मिल जाएगा, अल्टरनेटिव की फेवर में, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। कोर्स के फ्यूचर वीडियोस में भी इस बात को हम ज्यादा डिटेल में जाके करेंगे। और ये देखिए, जब एक पर्सन जो है कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है तो नल हाइपोथेसिस है पर्सन इज इनोसेंट, अल्टरनेटिव है पर्सन इज गिल्टी। तो जज जो है वो एविडेंस कलेक्ट करता है टू डिक्लेयर दैट पर्सन गिल्टी। अगर उसको एविडेंस नहीं मिलता तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि यू आर इनोसेंट, वो कहता है कि वी डिड नॉट फाइंड इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट यू। तो वो इनोसेंट नहीं डिक्लेयर होता। तो नल हाइपोथेसिस है पर्सन इज इनोसेंट, अल्टरनेटिव है पर्सन इज गिल्टी। चार टाइप ऑफ डिसीजन होते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, वो हम टाइप वन एरर, टाइप टू एरर, ये सारी चीजें चल के देखेंगे। अभी हम वापस जाते हैं अपनी मेल फीमेल क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है या नहीं हुई उस एग्जाम्पल पे। तो नल हाइपोथेसिस है कि जी स्टेटस को है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अल्टरनेटिव है कि डिस्क्रिमिनेशन है। तो अब आपके पास हम एक जो है वो ले लेते हैं, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक यक्का फेस कार्ड एस एस हमने एक ले लिया, तो बाकी 13 फेस कार्ड्स लेफ्ट हो गए, और नंबर कार्ड्स में से भी एक कार्ड हमने साइड पे कर दिया, तो चार हमारे पास कार्ड्स जो है वो निकल आए। 48 कार्ड्स हैं, उसमें से 13 फेस कार्ड्स हैं, आपके पास 35 नंबर कार्ड्स हैं। तो जो फेस कार्ड्स आएंगे मींस के वो लोग हैं जो प्रमोट नहीं हुए, जो बाकी हैं वो हमारे पास प्रमोट हो गए। मैंने शफल किया इस तरह से, 24 कार्ड्स को ऐसे ऐसे शो कर दिया, तो सी व्हाट हैपेंस। तो ये देखिए, हमने एक नंबर कार्ड निकाल दिया और तीन एस निकाल दिए, तो हमारे पास 48 कार्ड्स रह गए। अब हमने शफलिंग की, वो पेंटा लगाया और 24 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पता चला कि जी अगर हम रेंडमली करते तो 18 मेल प्रमोट हो जाते और 17 फीमेल हो जाती। नंबर कार्ड जो है प्रमोशन है, फेस कार्ड नॉन प्रमोशन है। तो ये जो डिफरेंस आया है 0.042 आया है, यानी कि अगर ये बाई चांस होता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंट नंबर सेलेक्ट हो गए हैं, तो ये जो डिफरेंस बाई चांस आ रहा है 0.042 आ रहा है। आप इस एक्सपेरिमेंट को फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें, तो ये सिमुलेशन भी कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो वहां पे जो डिफरेंस आया वो 30% का आया है। 87% मेल प्रमोट हुए हैं जबकि 50% कुछ के करीब, 56% के करीब फीमेल प्रमोट हुई हैं। तो इसलिए ये जो डिफरेंस आ रहा है 0.042 और 0.30 जो वहां पे आया है, तो लग रहा है कि अगर सिर्फ बाय चांस होता, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना होती, तो बेसिकली 30% का डिफरेंस नहीं आ सकता था। तो हमें सपोर्ट मिल रही है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो लग रहा है कि सही है, तो हम कहेंगे कि देयर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो इस चीज को आप सिमुलेशन के थ्रू जाके देख सकते हैं। तो क्या ये रिजल्ट्स जो है वो आपको इंडिकेट करते हैं?
तो डेटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हमारे पास कन्विंसिंग एविडेंस है, हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है टू इंडिकेट कि जी ये जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई है, क्योंकि हम जब भी रेंडमली ये करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस जो है 30% के करीब नहीं आता, वो 1%, 0.5%, 2%, 3% तक आ सकता है। तो वी से कि जी येस देर इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन प्रमोशन। तो आप इसको सिमुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। इससे अगले वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं डेटा लेके जमोवी, स्टेटा, आर, इन तीनों के थ्रू, इवन मे बी एक्सेल, इन चारों के थ्रू आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि जी हम मीन, मीडियन, मोड, ये सारी चीजें कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और उस डेटा को जब तक आप खुद से रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, रेप्लीकेट नहीं करेंगे, आपकी लर्निंग नहीं होगी। तो प्लीज डू इट, प्लीज बी विद मी। इससे अगले वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे होगा, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों है, कैसे। इससे अगले वाली तो वर्कशॉप होगी डेटा के साथ, उससे अगला लेक्चर जो है वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।